हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह अंशुलन का छुट्टी है, उन्होंने सोया हुआ है, उठ गए हैं तो छत पे चलते हैं, छत पे थोड़ा अच्छा लगेगा। दरवाजे बंद कर देते हैं, अच्छा लग रहा है। सुबह कबूतर को दाना भी नहीं दी क्योंकि अभी नहीं आया, इतना सुबह सुबह नहीं आता है। ये कितना अच्छा फूल हुआ है ना, अड़हुल वाला। वाह, रबर प्लांट मेरा यहाँ से सब ग्रो हो रहा है, यहाँ से सब इसका रूट निकल रहा है। ये सब, ये सब, ये बहुत बड़ा पेड़ होने वाला है। हमको इसके लिए गमला चेंज करना है। तो अभी इसमें भी कुछ लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा। काफ़ी देर हो गई छत पे बैठे हैं, तो अब सोच रहे जाते नीचे अंशुलन को उठाएंगे, अंशुलन को दाना देते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, अंशुलन को भी उठाएंगे, पक्षी को दाना देंगे। देखिए पक्षी तो आया, दाना देते हैं, कहीं भाग ना जाए। नहीं तो आ गया है, खा रहे हैं, तो चलिए लाओ खाने देते हैं। और ये आ रहा है, एक बार और दे देते हैं, एक बार और देख के देखते हैं। तो चलिए लोग खा रहे हैं, फिर से आने लगा। कुछ दिन नहीं आ रहा था, हम सोचे नहीं आएगा, लेकिन फिर से आने लगा। तो चलिए अंशुलेश को उठाएंगे अब, और फिर अपने घर का काम करेंगे, किचन भी साफ करेंगे। तब मैं नहा लिए हैं, आज अंशुलेश भी घर पे है, वो लोग भी नहा लिया है, फ्रेश हो गया, हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लिए हैं। से हाय, तो अभी अंशुलन का एग्ज़ाम है परसों, तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऋषु का भी है पर ऋषु खेल रहा है, तो अब हम अपना, तो अभी ऋषु पढ़ाई कर, अंशु पढ़ाई कर रहा है, और हम अपने घर का काम ख़त्म कर लिया। आज हम नहा लिए थे, सिर्फ कपड़ा नहीं धुले थे, अभी अंशुलन का ड्रेस साफ कर रहे हैं, फिर खाना भी बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं खिचड़ी, आज सैटरडे है ना, तो हम लोग आज खिचड़ी खाते हैं सबको, तो हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं। चलिए खिचड़ी बना लेते हैं फिर। आज तो आज सुबह उठ के पूरा घर साफ कर लिए थे, क्योंकि अंशुलन घर पर रहता तो नाश्ता तो लेट से बनाते हैं, तो पूरा घर साफ कर लिए, नहा लिए, नाश्ता भी कर लिए हैं। खाना बन गया, और खाना में आज हम बनाएंगे खिचड़ी, बहुत टेस्टी खिचड़ी है। खिचड़ी बन गया, अभी कपड़ा धुल ही रहा मेरा, आज बहुत कपड़ा हो गया था, उनको धो ही रहे हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऋषु बड़ा हो गया, अभी अपने फ्रेंड के घर जाता है। बाय। इतनी सारी बकरी है, बकरी है, मुर्गी है,
इधर डक भी है, अभी डक बाहर निकला है। त्रिशु खाना नहीं खाया है अभी, बाय। चलिए अंदर चलते हैं। खिचड़ी, खिचड़ी ये पापड़, अचार और दही। तो चलिए खाना खा लेते हैं। अंशु, अंशु और हम खा लेते हैं, रिशु तो बिना खाए चला गया। चलिए खाना खाते हैं। तो रात हो गया है और हम बना रहे हैं खाना। तो आज हम बना रहे हैं सत्तू का कचौड़ी। ये सैटरडे को हम लोग हमेशा बनाते हैं सत्तू का कचौड़ी, तो सबके घर में मोटा मोटी बनता ही होगा। तो ये बना रहे, फिर अभी हमको, अभी अंशु नहीं है, वो ट्यूशन गया, फिर आगे तो फिर मंदिर जाना है, उसको जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो चलिए ये सत्तू का रोटी इतना सारा बनाना है हमको, तो बना लेते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं, फिर मंदिर जाएंगे। आ गया है और हम जा रहे मंदिर के लिए, और आज लेट हो गया है तो खाना बना। अंशु तो स्कूल चलो ना, वे कहाँ चटनी लेके जा रहे हैं। आज हम बनाए हैं सत्तू का कचौड़ी और ये चटनी, तो इसको नीचे रख देते हैं। तीखा चटनी है। हाँ तो लेट भी हो गया, चलो चलते हैं मंदिर। बस थोड़ा सा अंदर दिखता नहीं जाएगा, लाइट भी उठेंगे। आज हम लोग का बहुत देर हो गया है क्योंकि अंशु घर पे था नहीं, और रिशु का चश्मा भी लेना हम लोग को। पहले चश्मा ले लेंगे तो फिर दुकान बंद हो जाएगा, फिर मंदिर जाएंगे। तो दुकान पहुंच गया, पता नहीं बंद हो गया क्या, बंद हो गया नहीं, नहीं खुला है, खुला है, खुला है। चश्मा ले लो रिशु का, लग रहा तुम दिखा पहन, बहुत ज़्यादा है, दिखा इधर दिखा, नहीं तुम पे नहीं शूट कर, रिशु पे शूट कर रहा था। तो रिशु का चश्मा ले लिए हैं, अब जा रहे हैं अंशु का फ़ोन दिखाने। दिखा लो फ़ोन, अंशु का फ़ोन ख़राब हो गया तो फ़ोन दिखाने आया है अंशु। तो मंदिर में पूजा हो गया है और भीड़ भी बहुत है, तो अब चल रहे हैं घर। तो अंशु की गाड़ी वहाँ पे खड़ा है। मंदिर से आ गए हैं और अब जा रहे खाना खाने। तो आज हम सत्तू का कचौड़ी और नम दही खा रहे, वैसे चटनी भी है तो चटनी भी लेंगे बाद में। और टिफिन देखिए खा के मेरी पीछे देखिए सो गई है, और देखिए रिशु का फेस नया चश्मा है, कल जो ऑर्डर किए थे अभी हम लेके आए, वो दिखा रहे हैं। तो रिशु का ये चश्मा अच्छा है कि पहले वाला चश्मा अच्छा था, प्लीज कमेंट करके बताइए। इसका शेप भी अलग है ना, हाँ थोड़ा नया लग रहा है, यूनिक लग रहा है, मतलब रिशु हमेशा गोल पहनता था ना, ओवल शेप का, तो इस बार हाँ ओवल शेप का, तो इस बार चेंज किए हैं। तो प्लीज कमेंट करिए कि रिशु का चश्मा कैसा है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।